अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इससे निपटने की तैयारियों की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले एक माह से लगातार वृद्धि जारी है। रोजाना करीब 6000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से 400 के आसपास लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 1900 से अधिक सक्रिय मामले हैं। बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक सुदेश कुमार ने बताया कि देश सहित प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के पर्याप्त तैयारियां हैं और लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। हिमाचल में कुछ बढ़ना स्टार्ट हो गए, हम टेस्टिंग भी बहुत कर रहे हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार प्रतिदिन जो टेस्टिंग हो रही है और केसेस जो है 400-450 के करीब आ रहे हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 1926 जो केसेस हैं वो एक्टिव है, और अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन करें 30-32 जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन है, और पिछले हफ्ते कुछ डेथ्स भी हुई है, लेकिन वो कॉमोर्बिडिटी जो हम कहते हैं कि अदर रीजन भी थे साथ में कोविड के कारण डेथ हुई है, तो हम कह सकते हैं हाँ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम निगरानी भी कर रहे हैं और कुछ एक स्टेप्स जो ली जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रहा है, उसमें जो माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने वीसी के माध्यम से सभी हेल्थ मिनिस्टर से बात भी की है, हिमाचल से भी हेल्थ मिनिस्टर जुड़े थे और सभी सेक्रेटरीज वगैरह भी जुड़े थे। तो साथ में हमारी 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल, जो यानी कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो कोविड-19 रोकथाम के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसकी भी जाँच पड़ताल 10 और 11 तारीख को हो गई है। तो हर चीज़ का जो करेक्टिव डाटा वो कंपाइल हो रहा है, लेकिन प्रीलिमिनरी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी है तो उसमें कोई बहुत बड़ा गैप जो हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी है उसके हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी ओर से जो हेल्थ सेटअप को है वो एक्टिव कर रहे हैं,